मेरे प्यारे बहन भाई और मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं सेफ्रोटॉक्स डाइएमजी टैबलेट के बारे में, जिसमें सेफ्रोक्सिम साल्ट है जो कि कैडिला कंपनी से रिलेटेड है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे इसके क्या फायदा है, क्या नुकसान है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी आप इसको ले सकते हो, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है उसमें भी आपको डॉक्टर इसको लेने की सलाह दे सकता है, या क्लेम आइडिया हो गया है उसमें भी डॉक्टर इसको लेने की सलाह दे सकता है, या फिर वैगिनल डाइसिस होना उसमें भी आप इसको ले सकते हो, डॉक्टर इसकी सलाह दे सकता है, या गोना होना इसमें भी आप इसको ले सकते हो, या पीआईडी होना इसमें भी डॉक्टर आपको लेने की सलाह दे सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, महिलाओं के कमर दर्द होना या फिर उनके पिछले स्पाइन के हिस्से में दर्द होना उसमें भी डॉक्टर इसको लेने की सलाह दे सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, डॉक्टर इसको यूरिन इन्फेक्शन में भी दे सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, सर्विटाइटिस में भी डॉक्टर इसको दे सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, रेस्पिरेट इन्फेक्शन क्लेमिडियल में भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या फिर निमोनिया हो गया हो उसमें भी डॉक्टर इसको सलाह देने की दे सकता है। और इसी के साथ साथ जुखाम हो गया हो उसमें भी डॉक्टर इसको लेने की सलाह दे सकता है, या गोनोकोया लंग्स इन्फेक्शन हो गए हो उसमें भी डॉक्टर इसको लेने की सलाह दे सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, सर्विटाइटिस लंग्स यानी कि सूजन आ जाना, फेफड़ों पर सूजन आ जाना, पानी आ जाना, पस भर जाना उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या पिनिमोनिया हो जाना उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या बुखार हो जाना, टाइफाइड बुखार हो जाना, बुखार बार बार उतरना, बार बार चढ़ना उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या ब्रोंकाइटिस हो जाना, खांसी हो जाना, हार्ट अटैक कम हो जाना इसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, टाइफाइड ज़्यादा हो जाना इसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है। और इसी के साथ साथ छाती में पेन हो जाना यानी कि छाती में खांसते वक्त पेन होना उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या बुखार के कारण छाती में दर्द हो जाना उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या फिर ब्रोंकाइटिस यानी कि सांस की नली में सूजन और ऐंठन सपन हो जाना इसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या फिर टाइफाइड फीवर हो जाना। टाइफाइड फीवर में होता क्या है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, हाथ पैरों में जलन सी महसूस होने लगती है, इसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, ये भी वहाँ पर काफ़ी अच्छा फायदेमंद देखा गया है। या दोस्तों, फिर दोस्तों ईएनटी इन्फेक्शन हो जाना यानी कि आपके कान में अगर मुआद आ रही हो, माद आ रही हो, या फुंसी निकल गई हो उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या नोजिया हो गई हो, बार बार जुकाम हो रहा हो उसमें भी आपको डॉक्टर देने की सलाह दे सकता है, या दांतों में कहीं पस बनना हो उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या सॉफ्ट इन्फेक्शन हो गया हो उसमें भी डॉक्टर आपको इसको देने की सलाह दे सकता है, या स्किन इन्फेक्शन हो गया हो, स्किन इन्फेक्शन यानी एलर्जी, इचिंग, फंगस हो गए हो उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या बोन जॉइंट बैक्टीरियल हो गया हो उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या टॉन्सिल हो गए हो, आपने कई बार देखा होगा ज्यादा नज़ला होने के कारण या गले में खराश होने के कारण कभी कभार आपके टॉन्सिल होने लगते हैं उसमें भी ये काफी फायदेमंद ने देखने को मिला है। और इसी के साथ साथ आई इन्फेक्शन हो जाना या फिर आई फ्लू जो अभी पीछे चला था वह हो जाना उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या चोट लग जाना, इंजरी हो जाना, इंजरी यानी कि चोट लग गई हो, कहीं से जख्म हो गया हो, टांके नहीं सूख रहे हो उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, अर्थराइटिस जॉइंट सूजन होना यानी कि जब अर्थराइटिस होता है उनमें सूजन आ जाती है उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है। और इसी के साथ साथ स्किन इन्फेक्शन हो जाना, छोटे छोटे टिक के इन्फेक्शन हो जाना उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या फिर आईवी इंजेक्शन लगाया हो, कैनुला लगाया हो, कैनुला निकालने के बाद उसका काम कंप्लीट होने के बाद वहां पर सूजन आ गई हो उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या फिर इंजरी हो जाना, हार्ड इंजरी हो जाना उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या फिर ऑपरेशन के बाद टांके कटने के बाद वहां पर सूजन सी आ जाना उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है। एक बीमारी है दोस्तों, मिडल ईयर इन्फेक्शन, इसमें भी आप इसको ले सकते, इसमें भी डॉक्टर आपको देने की सलाह दे सकता है, या फिर दोस्तों मिडल ईयर इन्फेक्शन हो जाना इसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर वन, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरीके का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर टू, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की
पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर उनकी जांच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहां है, वरना सब मिट्टी समान है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप समझ गए हो। है तो दोस्तों इतनी सेफ्रोटेक्स डाइसमजी की टैबलेट की फुल इन्फॉर्मेशन, फुल जानकारी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पढ़ने नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।